एफ एम मनाली का ना ए निकल गया है यहाँ पे, देखो ब्रेक लाइट का काम हमारा हो चुका है, ये एक्चुअली अंदर से ना होल्डर हिल रहा है ना, यू हैव नो फ्यूचर विदाउट मी, लेट मी लिव। और ये रहा बोट, और ये दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से वाटरफॉल ऊपर। हम लोग यहाँ मिल चुके हैं, मेरे को भाई लोग, हेलो जी, क्या नाम है आपका? एक्चुअली करण और टिंकू भी वहीं पे गए हुए हैं, नंबर प्लेट्स दी थी मैंने बनवाने को। ओ भाई, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है, वीडियो वगैरह मैंने कर लिया अपलोड, बाकी अभी के सीन जैसे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, मैं क्या आपको भी मैं साथ में लेके चल रहा हूँ पारशा वाटरफॉल। जैसे कि मैंने आपको पिछले वाली वीडियो में बोला था आप लोगों को मैं लेके चलूंगा पारशा वाटरफॉल। कहाँ पे है वो अभी दिखाता हूँ थोड़ी देर में। मनाली में रह के भी काफी लोगों को नहीं पता है उस वाटरफॉल के बारे में, ज्यादातर लोग बोलते हैं जोगनी वाटरफॉल जाना है, सजला वाटरफॉल जाना है, बट पारशा वाटरफॉल कोई भी नहीं बोलता है, वहां पे भी चलना है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए ना आज का दिन करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। और यार मैंने ना आज मैकेनिक को भी बुलाया हुआ है शाम को, क्योंकि मारुति के आसपास सब जगह ना गंद काफ़ी ज़्यादा हो गया, जिसके आप आगे भी देख सकते हैं वहाँ पे भी, तो इसको शाम को हटाएंगे, इसके नीचे भी काफ़ी गंदे, सफाई भी करेंगे और पार्किंग थोड़ी ऐसे अच्छी सी बनाएंगे भरे को। बाकी अपनी बीस्ट यहाँ पे रेडी है, नीचे जाके पानी मारते हैं क्योंकि पानी मारना जरूरी है। और यार मैं पता क्या सोच रहा हूँ, जैसे यहाँ पे गाय फ्रॉम मनाली लिखा है ना, यहाँ पे मारुति को हटा के यहाँ फ्रंट में बीस्ट, आप लोग बताओ एक बार कमेंट में, करना चाहिए मेरे को कि नहीं, वैसे तो कूल लगेगा शायद यार। तो गाइस अभी ना मैं मार्केट आ गया हूँ, एक्चुअली मैं वेट कर रहा हूँ रोमी का, रोमी भी मेरे साथ जा रहा है, काफी टाइम के बाद मिल रहा है वो, पिछले के लिए उसका बर्थडे था, आज भी उसका बर्थडे विश करेंगे, तो अकेले तो क्या जाना है, साथ में जाएगा उसको भी घुमाते। यहाँ पे आ चुका है रोमी, हेलो, हाउ आर यू, बड़े टाइम के बाद मिला, पिछले कल इसका बर्थडे था। और यहाँ मेरे को मिल चुके, हेलो जी, क्या हाल है आपके, क्या नाम है आपका? राहुल। कहाँ से हो? दिल्ली, नोएडा। ठीक है, तो भाई ना अभी अपनी आरसी में आए और मेरे को एकदम देखिएगा। मैं तो मतलब जब नोएडा से चला था ना, हाँ जी, तभी मुझे लगा था कहीं ना कहीं मिल जाओगे आप, छोटी सी मनाली है, मिल ही जाते हैं, छोटी है लेकिन बाय चांस, बात सही है, बात सही है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, होप यही होना अभी आप, नाइस टू मीट यू ब्रो, सेम है, यही होना आप अभी? हाँ मैं कल निकलूंगा। अच्छा, कल का शो निकलूंगा। ठीक है ठीक है, क्या पता फिर से मिल जाए इसके बाद। ओके जी, ऑल द बेस्ट। ठीक है, अभी मैं हूँ रांगड़ी में ना, और यहाँ से सिमसा को जाते हैं और यहीं से रास्ता जाता है ऊपर को भी, ये देखो मैं एक्चुअली आपको पूरा रास्ता दिखाऊंगा कि रोड कहाँ से जाता है। यहाँ से ज्यादा हमने ना 1 किलोमीटर ऊपर जाना है, उसके बाद लेफ्ट को कटेगा रास्ता। रोमी गया है पहले? नहीं, फर्स्ट टाइम, ये भी फर्स्ट टाइम जा रहा है। अभी थोड़ा सा हमने ले लिया पीने वगैरह का और आइसक्रीम ले लिया मैंने, इसने तो नहीं खानी आइसक्रीम, और ना ड्राइवर सीट पे आ गया है क्योंकि मैं आइसक्रीम खाता हूँ, और इस सामान को रख देते हैं हम यहाँ पे। तब तक यहाँ पे जब हम पहुँचते हैं ना, ये एक रिजॉर्ट आता है, देखो विक्ट्री रिजॉर्ट, राइट नहीं जाना है, यहाँ से लेफ्ट को लेना है, चल यहाँ से लेफ्ट जाना है हमने। मिस हो गया भाई, इसको ना ड्राइविंग सिखानी पड़ेगी, देखो क्या कर रहा है, एक क्लच में ही चल रहा है, क्लच में ही। जब आप इस रोड में आओगे ना, आपको सबसे पहले यहाँ पे ये दिखेगा होटल जन्नत, और यहाँ पे भी छोटा सा वाटरफॉल है, बाहर से दिखाता हूँ, यहाँ पे भी छोटा सा वाटरफॉल है। और अब बिना हमको थोड़ा सा और आगे जाना है, और आगे एक पार्किंग वाला स्पॉट आएगा, वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। मजा आ रहा है गाड़ी चलाने का, कमी सिर्फ झटका ही है ना, जो उछल रही है, बाकी कुछ नहीं है। वो दिख रहा है आपको वहाँ पे, वो है सेतन, शीशा गंदा है मेरा, और यहाँ ना किसी कौवे ने पट्टी कर दी। सोचा था मैंने साफ करूंगा, लेकिन वॉशिंग सेंटर में ना गाड़ियाँ लगी हुई थी 2-3। ये पहुँच चुके हैं हम, ये आपको दिख रहा है बोर्ड भी लगा था हमने, ब्रॉड पाशा, बाहर उतर के दिखाता हूँ, यहाँ पे पार्किंग है, यहाँ लगा दी लेफ्ट में। तो ये दिख रहा है आपको, ये बोर्ड लगाया देखो, ब्रॉड पाशा वाटरफॉल, गाड़ी को यहीं पार्क करेंगे, गाड़ी नहीं जा सकती ऊपर। और ना इसके बाद पूरे स्टेयर्स बने हुए हैं, ऊपर तक स्टेयर्स है, और 10 मिनट का ट्रैक है। मेरी ब्रेक लाइट फिर से उड़ गई लेफ्ट साइड की, पता नहीं क्या सीन है, इतने बार ठीक कराता हूँ फिर होल्डर ही चेंज कर दूंगा इस बार नया। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है यहाँ पे पार्क, और ना यहाँ से कुछ इस तरह का रास्ता है, 10 मिनट तक ऐसे ही चलेंगे, और ना रास्ता काफी अच्छा है। और ये रहा बोट, आते वक्त ना फोटो खींचाएंगे यहाँ पे थंबनेल के लिए। और ये दिख रहा है आपको कुछ इस तरह से वाटरफॉल ऊपर, अभी ऐसा है ना, ऊपर जाकर दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ से यार जैसे ऊपर को जा रहे हैं ना, जहाँ जहाँ पे आपको ये रेलिंग्स दिखेगी ना, सेम मतलब सीधा नहीं जाना है, ये गाँव का रास्ता है, जैसे आपको ये रेलिंग्स दिख रहे हैं, रेलिंग को फॉलो करते हुए जाना है। एक बार तो हम लोग पता है साइकिल लेके आ गए थे यहाँ पे, ऊपर तक साइकिल उठा के लेके कंधे में, और ऊपर से नीचे स्टेयर से नीचे उतारी हमने साइकिल। तो यार आपको ये दिख रहा है, ये पूरा ट्रैक है यहाँ से ना, वैसे तो चलने का ट्रैक है, लेकिन यहाँ से हमने साइकिल उतारी थी, और वेदर भी काफ़ी अच्छा है, मज़ेदार। अगर आप पारशा वाटरफॉल आते हैं ना यहाँ पे, आप देखो कैफ़े भी खुल गया है, अगर कुछ खाना वगैरह होगा ना तो कैफ़े भी यहाँ पे ही है ऑलमोस्ट। हम लोग आप देख सकते हो, ये रहा पारशा वाटरफॉल, और यहाँ पे ना फोटोज वगैरह खिंचाने के लिए काफी अच्छी लोकेशन है। और ये रोड दिख रहा है आपको परे, ये देखो, उसी दिन मैंने वहां से दिखाया था ना ये वाला वाटरफॉल, ये हो रोड जो जगत सुख को निकलता है, यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है, कुछ इस तरह का वाटरफॉल है सामने, आप देख सकते हो। अगर ड्रोन होता ना और अच्छी फुटेज आती, आप लोगों का सपोर्ट रहा ना, अगर ड्रोन क्या, हर एक चीज ले लूंगा मैं।
लूँगा तो लूँगा फ्यूचर में, क्योंकि ड्रोन से यार बहुत अच्छे अच्छे शॉट्स आ जाते हैं जो हम फ़ोन से नहीं ले सकते। यहाँ से गिर रहा है वाटरफॉल ना ऐसे ऐसे ऐसे, फिर वहाँ पे ब्रिज वगैरह बनाए हुए हैं और यहाँ नीचे देखो ये। यहाँ पे फोटोज वगैरह खींचने के लिए काफी अच्छा प्लेस है, यहाँ पे बैठ जाओ और किसी के पास अगर DSLR वगैरह ना नीचे से अच्छी अच्छी फोटोज आती है। वैसे यार वाटरफॉल के साथ यहाँ पे ना बैठने के लिए काफी अच्छा है, बस थोड़ी सी सफाई की जरूरत है क्योंकि कोई भी अगर आ रहा है ना यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटल्स वगैरह पीछे ऐसे कूड़ा फेंका है, बियर किसी ने पी है वहाँ देखो फेंकी हुई है कैन। तो अगर कोई ऐसी प्लेस में आता है ना प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आप अपने साथ रैपर्स बॉटल्स वगैरह लेके आते हो ना, अगर आप लेके आ रहे हो तो वैसे ही साथ में भी लेके जाओ, जैसे कि हम लोगों ने लाई है ना हम साथ में भी लेके जाएंगे नीचे और डस्टबिन में डालने वाले हैं। तो यार अभी के सीन ऐसे है, यहाँ से निकलते हैं वापस नीचे को, जो नीचे वाला व्यू पॉइंट है ना वहाँ पे जाके अच्छी अच्छी फोटोज क्लिक करते हैं। जब हम लोग ऊपर है ना उस टाइम ऊपर कोई भी नहीं था, आप देख सकते हो काफ़ी लोग आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं ऊपर। यहाँ पे वाटरफॉल की तरफ आते ना आप देख सकते हो काफी सारे बोर्ड्स और काफी अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बोर्ड मिलेगा, बहुत सारे बोर्ड्स मिलेंगे आपको ऐसे। काफी सही लिखा हुआ है ये वाला स्लोगन, यू हैव नो फ्यूचर विदाउट मी लेट मी लिव। अपनी जिप्सी क्या बढ़िया लग रही है नीचे, वहाँ देखो ये रही पिक्सल्स फट रहे यार आईफोन 13 के। यार मेरे को ना आईफोन 13 प्रो लेना चाहिए था, उस टाइम पे थोड़ा सा बजट का इशू था वरना मैं प्रो ले लेता। अभी देखते हैं थोड़ा सा कमाते हैं फिर इस वाले फोन को बेच के ना प्रो में अपग्रेड करेंगे, क्या पता 14 आ जाए तब तक। सितंबर में वैसे लॉन्च होते हैं हर साल ना, अगर 14 आ गए तो 14 प्रो लूंगा मैं। अगर रोमी ना गलत चला गया था उस साइड को, उस साइड कहाँ जा रहा तू रास्ता जबकि इस साइड से है। अभी रोमी और मैं बात कर रहे थे कि जो मैंने पहले गायफ्रो मनाली लिखाया था ना हुड पे, इसको ना वो वाला पसंद है, टकरा दे फिर से दो। एक सरप्राइज भी आप लोगों के लिए शायद से जल्दी, मैं नहीं देने वाला हूँ रोमी देने वाला आप लोगों को एक सरप्राइज, दिखेगा मेरे ही चैनल पे। तो यार अभी ना मेरे को मेरे सब्सक्राइबर्स मिल गए थे 2-3, लेकिन वीडियो में ऐसे शर्मा रहे थे ना, वीडियो में ऐसे पता नहीं क्यों शर्माए थे, लेकिन काफी अच्छे थे यार स्वीट थे। ये दिख रहा है नीचे, ये देखो ये मेन हाईवे है और ऊपर से जाता है रोड, ऑलमोस्ट हम लोग ना मेन रोड में नीचे उतर चुके हैं, मतलब रोड में है मेन हाईवे में हम लोग उतरने वाले हैं, और ये निकलेगा हमारे रांगड़ी वाले ऑफिस के पास। तो यार अभी रोमी जा रहा है, ठीक है मिलते हैं बाद में ना। ओके यार रोमी का ना पिछले कल बर्थडे था मेरे लिए ना, वो चॉकलेट भी लेके आ गया था ये, तो अगर रोमी वीडियो देख रहा है ना थैंक यू सो मच। और मैं वशिष्ठ पहुंच चुका हूँ यार, गर्मी में ना चॉकलेट की हालत देख सकते हो आप, पिघलना स्टार्ट हो गया है, इससे पहले कि पूरा पिघल जाए खा लेते हैं इसको। तो गाइस घर में आ गया था खाना खाने के लिए, खाना वगैरह खा लिया, पेट पूजा कर लिया, और ब्लूटूथ को भी लेके जाते हैं ऊपर, हेलमेट पे ब्लूटूथ लगाते हैं क्योंकि ना ये चार्ज हो चुका है फुल, और देखते थोड़ी सी ना गेड़ी मारने का मन कर रहा है मेरा। तभी किसी कुछ ऐसे मैं निकल रहा हूँ यहाँ से रांगड़ी ऑफिस के लिए, लंच वगैरह करके मैं आ गया हूँ ना, और ये 390 नीचे छोड़नी है रांगड़ी ऑफिस में। आज मैंने ब्लूटूथ लगाया हुआ हेलमेट में लेकिन ऑन नहीं हो रहा, पता नहीं क्या इशू हो गया उसमें, चेक कराना पड़ेगा, एक तो काफ़ी टाइम के बाद यूज़ कर रहा हूँ ना। और यार जो हमने कुल्लू से लाया था ना ये है वो, ये पूरा लाया हुआ था, सेंसर से चलता है देखो। 390 पता है बहुत पावरफुल बाइक है, हल्का सा एक्सीलेटर दोनों ऐसे उड़ती है हवा में। ये पता है फैक्ट है, जितना मोटा हॉर्न होगा ना लोग उतना सुनते हैं, अगर किसी के सामने आप ये ऐसे हॉर्न बजाओगे ना कोई भी नहीं सुनेगा। जैसे हम देखो जिप्सी में जब साउंड होता है ना या हेडर वगैरह लगाओ एक्सीलेटर दो ना, अगर बंदे एक्सीलेटर सुन के भी हट जाते हैं, अगर ऐसे हॉर्न देने लग गए सुनते ही नहीं है यार। यार मेरा ना GoPro फिर से बंद हो गया था अपने आप, चलते चलते बंद हो गया था, मैं वही चेक कर रहा था अभी तक, यार रुक के चेक करते हैं कहीं ऐसा ना हो कि रिकॉर्ड ही ना हो कुछ, क्योंकि मेरे साथ होता है ऐसा बहुत बार, मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है पता है, रिकॉर्ड होता है अपने आप ही बंद हो जाता है। और पता है KTM 390 का पिकअप ना बहुत ज़्यादा है, देखो यहाँ देखो ना एकदम खींचती है, ये देखो अभी मैं फोर्थ गियर में हूँ, ये देखो एकदम ही ब्रेक मारी स्लंप ने यार, एक तो ओवरटेक ले रहा था, ओवरटेक लेते लेते इसको गड्ढा दिखा हल्का सा आगे,
एकदम डेड ब्रेक मार दी। तो पहुंच गए हम लोग रांगड़ी ऑफिस। तो गाइस सीन्स कुछ ऐसे है ना, 390 रखेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ना यहाँ से ये KTM जाती है रेंट पे, KTM की डिमांड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। इस वाली 350 को लेके जाना है वशिष्ठ, तो 390 को अंदर डालते हैं, इसको निकाल दिया मैंने बाहर। तो गाइस निकलते हैं यहाँ से, 350 को ले जाते हैं ऊपर, क्योंकि ना वशिष्ठ वाले ऑफिस में 350 एक भी नहीं आएगा। मैं तो वेट कर रहा हूँ कब ले लद्दाख खुलेगा, जांचकर वगैरह खुलेगा और ट्रिप मारना स्टार्ट करेंगे हम, मज़ा आने वाला है काफ़ी। तो यार अभी मैं निकल रहा हूँ अमित भाई के पास, एक्चुअली करण और टिंकू भी वहीं पे गए हुए हैं, नंबर प्लेट्स दी थी मैंने बनवाने को। ओ भाई क्या बेवकूफ़ है, बिना देखे मुड़ रहा है यार, ये तो मैं आराम से था, पहले नहीं मुड़ा है, पहले चुपचाप बैठा हुआ था साइड में ना, इसने इंडिकेटर दिया पता है, अदरवाइज होता है ना इंडिकेटर दो कुछ दो, एकदम ही मुड़ी चलान हो रहे सबके यहाँ। देखो जिस जिसने गाड़ी ऐसे लगाई ना, देखा कैसे निकला है, बाइक कंट्रोल नहीं हुई इससे। तो गाइस अभी के सीन्स कुछ ऐसे है ना, हम लोग निकल रहे हैं बंटू भाई के पास, एक्चुअली ना खाने के लिए भी कुछ बर्गर वगैरह लाने हैं और बंटू भाई के पास लाइट भी ठीक करवानी है, तो चलते हैं। और मेरे साथ जा रहा है करण, करण और मैं जा रहे हैं जिप्सी में। यार बंटू भाई के पास तो पहुंच गए हैं ना, ब्रेक लाइट का काम हमारा हो चुका है, ये एक्चुअली अंदर से ना होल्डर हिल रहा है ना बंटू भाई, होल्डर हिल रहा है, बाकी आप रिवर्स लाइट देख सकते हो, ये भाई रिवर्स लाइट जल रही है, ये नहीं जल रही है, बस अब ये वाला काम रह गया है। ठीक है बंटू भाई, थैंक यू सो मच, मिलेंगे ना। तो यार पेन ड्राइव भी निकाला था हमने, एक्चुअली गाने कॉपी कर रहे थे, निकलते हैं यहाँ से। यार मेरे साथ ना एक सीन हो गया, गाय फ्रॉम मनाली का ना ए निकल गया यहाँ पे, देखो ये पता नहीं कहाँ निकला, पता ही नहीं चला मेरे को, देखते हैं चंडीगढ़ जाना है ना मैंने, एक्चुअली मैंने आगे बीस्ट के लिए भी फॉन्ट्स लाने हैं 3D वाले, तो एक ए भी लेके आ जाऊंगा। तो यार हम लोगों ने ना कुलचे बोले हुए थे, कुलचे ऑर्डर किए थे, तो बन रहे हैं यहाँ पे, एक्चुअली पहले बने हुए थे लेकिन हम बांग चले गए ना, वो किसी और को दे दिए, तो अभी फिर से बन रहे हैं। अभी ऑफिस में बैठे हुए थे हम लोग, यहाँ मिल चुके हैं मेरे को भाई लोग। हेलो जी क्या नाम है आपका? अंकुश। हेलो जी क्या नाम है? शर्मा। हेलो जी। अमनजोत। भाविन। क्या है जी? अनुभव। काफी अच्छा लगा मेरे को मिलके भाई लोगों से। और ना YouTube चैनल भी किसका है? किस नाम से? A4Riders, जाके ना एक बार चेकआउट भी करना, कंटेंट अगर पसंद आता है ना जाके सब्सक्राइब जरूर कर देना। और काफी अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अभी के सीन्स कुछ ऐसे है ना, टाइम हो चुका अभी 8:09 हो चुके हैं और स्क्रैचेस काफी पड़ गए, एक्चुअली मैंने लेमिनेशन की हुई ओपन है, इसमें स्क्रैचेस पड़ गए। और अभी हम लोग इसूजू लेके निकल रहे हैं मोनिका को लाने के लिए, वो ना एक्चुअली कहीं पे गई हुई थी, तो उसको लेने के लिए मार्केट जा रहे हैं। तो ऑफिस में पहुंच चुका हूँ एंड लैपटॉप मैं दिन में ही लेके चला गया था घर को ना, अभी GoPro और ये ब्लूटूथ है, ब्लूटूथ पता नहीं काम नहीं कर रहा था, देखता हूँ घर जाके फिर से चार्ज करता हूँ, शायद से ना मैंने चार्जिंग पे लगाया बट स्विच ऑन नहीं किया हुआ था, तो फिर से इसको घर जाके चार्जिंग पे लगाएंगे। एंड आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं कल एक फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।